हरियाणा के अंबाला में दूसरे दिन भी लॉकडाउन बेअसर दिखा। दिन भर शहर की सड़कों पर लोग खुलेआम घूमते नजर आए। हालांकि अंबाला पुलिस ने बीते रोज आज से सख्ती बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन आधा दिन बीत जाने तक शहर की सड़कों पर लोग बेपरवाह घूमते नजर आए। लगातार बढ़ती जा रही लोगों की लापरवाही के बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाया और अंबाला में कुछ सख्ती भी की गई, लेकिन लोगों के तर्क के सामने पुलिस अधिकारी भी बेबस नजर आए। तस्वीरें अंबाला शहर की है, जहां आज भी लॉकडाउन सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है। अंबाला में पहले दिन लॉकडाउन बेअसर साबित हुआ तो पुलिस कर्मियों ने दूसरे दिन से सख्ती की बात कही थी, लेकिन दूसरे दिन भी शहर की सड़कों पर लोगों और वाहनों की पूरी भीड़ नजर आई। ऐसे में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती है। पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद शहर की सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला है। जैसा कि आप भी सामने खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, हमारे ऐसी कोई व्हीकल नहीं है जिसको बिना चेक करे जाने दे रहे हैं। लेकिन एक ही बात निकल के आ रही है, हर एक आदमी कहीं कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए या टेस्ट कराने के लिए या मेडिकल के, इसके अलावा उन पर रिपोर्ट भी ले रहे हैं डॉक्टरों की, आ जा भी रहे हैं। इस सिचुएशन में उनको मेडिकल से रोकने के लिए वो संभव नहीं हो पाता, और उनको हिदायत दी जा रही है कि जितना भी अवॉइड कर सकते हो करो, हॉस्पिटलों में भी कम से कम जाओ, क्योंकि वहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव हो सकता है। उनको हिदायत दी जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल की सब एक पर्ची उठाए घूम रहे हैं या कोई बैंक का एक का पैसे ले के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार की कोई हर एक समस्या लेके आ रहा है। हम उनको अवॉइड भी कर रहे हैं भाई ये ना जाएं, लेकिन इस चीज़ आगाह भी कर रहे हैं कि इससे भी बचें, जितना भी हो कम से कम जाएं। उसको पहली बात तो यही हिदायत है कि वो जहाँ भी हो सके होम डिलीवरी दें। सोशल डिस्टेंस तो आपको पहले ही हिदायत दी गई है, पहले भी कितना होगा, लेकिन उनको ये कि होम डिलीवरी दें, जितना भी हो होम डिलीवरी दें, ग्राहक ना आए दुकान पे, ये संभव हो ये करो। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।